कैसे हो भाई लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे। और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। वहाँ पे मैंने राइजन की फर्स्ट और सेकंड जनरेशन आपको समझाई थी, उसके सीपीयू, चिपसेट, एपीयू सब कुछ समझाया था, ठीक है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसका जो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज जो कंपेरिजन है ना, राइजन के ही जितने सीपीयू एपीयू है वो कल के वीडियो में करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज एक अच्छा सीपीयू ढूंढने की कोशिश करेंगे राइजन में, अभी जितने भी हमारे पास सीपीयू एपीयू अवेलेबल है ना उनमें से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सीपीयू और एपीयू को दोनों को अलग अलग रखा है, क्योंकि सीपीयू को और एपीयू को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो एपीयू है वो सीपीयू प्लस जीपीयू का कॉम्बिनेशन है, और जो सीपीयू है वो सिर्फ सीपीयू है, उसमें कोई भी ग्राफिक्स का पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो एपीयू में मैं आपको एक मतलब जो बढ़िया सबसे मुझे लगा है प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज वो बताऊँगा, और उसके बाद सीपीयू की तरफ चलेंगे। तो आज यहाँ पे मैं पहली जनरेशन के जो राइजन की फर्स्ट जनरेशन के सीपीयूज है ना वहाँ तक ही रख रहा हूँ, 1800X तक की कहानी, और बाकी के हैं वो कल के वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्लूड करूँगा तो ये वीडियो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इस वीडियो को मुझे बनाने में और रिजल्ट जनरेट करने में पिछले 6 घंटे से मैं सिस्टम पर बैठा हुआ हूँ, दिमाग का दही हो चुका है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ निकाला है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो रिजल्ट आया है, ठीक है। और इस वीडियो में जो फाइनली किंग निकल के आएगा ना, वैल्यू किंग, वैल्यू फॉर मनी, उसको भी हम कल के वीडियो में कंपेयर करेंगे और फाइनली मैं एक आंसर दूंगा। तो सेकंड जनरेशन के जो राइजन सीपीयूज है ना, मतलब 2600 2600X, 2700 और 2700X, उनको भी हम कल के वीडियो में कंपेयर करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में फाइनली आपको एक पता चलेगा, अभी जिसको सिस्टम बिल्ड करना है और राइजन की फर्स्ट जनरेशन पे बिल्ड करना है उसको एक आंसर मिल जाएगा कि कौन सा सीपीयू सबसे बढ़िया रहेगा प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। तो अभी हमारे पास राइजन में इतने सारे मतलब एपीयू सीपीयू सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। पहले बात करते हैं एपीयू की। तो एपीयू अगर हमारे पास मैं देखने जाऊँ ना तो सिर्फ 3 ही अवेलेबल है। वैसे कल के वीडियो में मैंने बोला था कि जो एथलोन है 200G, फिर 22 भी है और 240 भी है, लेकिन वो अभी ना मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं। तो मैं इसको ही कंसिडर कर रहा हूँ, ये बहुत ही सक्सेसफुल चिप है जो कि हमें यहाँ पे 4670 में मिल रहा है, ठीक है। अमेजोन पे इससे भी थोड़ा 20-30 रुपये कम था, लेकिन फिर भी हम ये जो साइट है ना उसकी प्राइस को ही कंसिडर करेंगे। और परफॉर्मेंस के लिए गीक बेंच का जो फाइनल स्कोर है ना, पूरे सीपीयू टू सीपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे। अभी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे छोटा, सबसे बजट, कल के वीडियो में मैंने बोला था इस पे सिस्टम बिल्ड करना है ना किसी को जिसका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो वो इस पे कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला एपीयू को और सीपीयू को क्यों कंपेयर नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने कहा हम सीपीयू को और एपीयू को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एपीयू है वो सीपीयू प्लस जीपीयू दोनों है, और सीपीयू जो है हमारा 1200 1300 1400 जितने भी हैं वो सिर्फ सीपीयू है, उसमें कोई भी ग्राफिक्स का पोर्शन नहीं है। फिर भी कई बार लोग बिकॉज ऑफ प्राइस एपीयू को और सीपीयू को कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये देख लो, एथलोन का ये 2200G है वो 4500 से 5 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस अगर मैं कंसिडर करूँ तो 4670 रुपये, और 1200 जो है राइजन 1200 सबसे छोटा सीपीयू उसकी प्राइस है 5150 रुपये। तो कई बार लोग बिकॉज ऑफ प्राइस कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सीपीयू है। अगर इस पे सिस्टम बनाना है तो सिस्टम मतलब पूरे कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड आपको भले छोटा ही सही लेकिन लगाना पड़ेगा। अब ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं और इसके साथ कंपेयर करते हैं तो फिर वो कंपैरिजन सही नहीं हुआ ना। अगर इसके साथ भी ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो फिर इसको क्यों लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें अगर जो मतलब ये 2 कोर 4 थ्रेड वाला है और 3 वेगा के कंप्यूट यूनिट मिलते हैं। अब वेगा के जो कंप्यूट यूनिट है उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मतलब 3 वेगा की कोर मिलेगी, तो बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर जो कूड़ा कोर होती है उसका क्या मतलब है। तो एक जो कंप्यूट यूनिट है ना उसका मतलब है कि 64 स्ट्रीम प्रोसेसर, ठीक है, कूड़ा कोर, स्ट्रीम प्रोसेसर, जो भी बोलो। तो वो जो हम कहते हैं ना ग्राफिक्स कार्ड में छोटी छोटी कोर होती है, वो एक कोर की ये 64 कोर हो जाएगी। तो इसमें 3 मिलती है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो 2200G है उसमें मिलती है 8 वेगा की, और 2400G है उसमें मिलती है 11, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूट यूनिट है ना, वो जितने भी ग्राफिक्स की कोर है उसके मल्टीप्लाई आप 64 कर लो, उतनी वो जो हम कूड़ा कोर कहते हैं एनवीडिया में या स्ट्रीम प्रोसेसर कहते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके साथ अगर हम जीपीयू लगाते हैं तो फिर इसको क्यों लेंगे, ये 2 कोर 4 थ्रेड वाला है। तो अगर जीपीयू लगाना ही है सिस्टम में तो फिर डेफिनेटली हमें राइजन के साथ जाना चाहिए ना, ठीक है। तो पूरा परफॉर्मेंस सही से मिलेगा और हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इसको कोई भी यूजर खरीदेगा और लगाएगा ना तो उसका रीजन यही होगा कि उसका बजट टाइट है, कम से कम पैसों में उसे सिस्टम बनाना है, ग्राफिक्स कार्ड सिस्टम में नहीं लगाना है, और फिर भी ग्राफिक्स कार्ड ना होने के बावजूद भी सिस्टम में डिस्प्ले की कनेक्टिविटी मिले और हल्का फुल्का उसका जो ग्राफिक का काम है वो हो जाए, इसीलिए तो ये एपीयू डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी एपीयू में 3 ऑप्शन अवेलेबल है, ये सबसे छोटा एएमडी एथलोन 200GE, उसके बाद है ये 2200G राइजन 3, ठीक है, और ये है राइजन 5 2400G।
तो इन तीनों को मिला के आप उस अच्छा एक चिपसेट चूज़ करके आप एक अच्छा सिस्टम बना सकते हो जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। और प्लस यहाँ पे मतलब इनके अंदर वेगा की कंप्यूट यूनिट मिलते हैं, तो आप हल्का फुल्का गेमिंग भी कर पाओगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ आप बहुत ही हाई एंड गेमिंग एक्सपेक्ट ना करें, बिल्कुल 720p रिजोल्यूशन पे, बिल्कुल कम डिटेल पे आपको 30-40 FPS मिल जाएंगे, ठीक है, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर बात करूँ। और ये जो है 2200G और 2400G पे आप फुल HD रिजोल्यूशन पे भी गेमिंग कर सकते हो। अगर इन तीनों को मैं प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज कंपेयर करूँ ना, तो मुझे सबसे बढ़िया जो लगा है वो है ये 2200G प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप इसके साथ जाओगे तो परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्राइस भी ज़्यादा है, 12,970 ऑलमोस्ट 13,000 रुपये, ये है 7,750 रुपये, और ये है कि 4,670 रुपये। तो जिसको बिल्कुल बेसिक सिस्टम बनाना है ग्राफ, मतलब जो बेसिक सिस्टम में हर बार बोलता हूँ, वेब ब्राउजिंग करने के लिए, यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, हल्की फुल्की गेम खेलने के लिए, उसको इसके साथ सिस्टम बनाना चाहिए। उससे थोड़ा सा हैवी जाना है तो फिर इसके साथ बनाना चाहिए, और उससे भी हैवी जाना है तो इसके साथ। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि इतने पैसे अगर आप डाल रहे हो ना, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक प्रॉपर CPU सिलेक्ट करके उसके साथ एक डेडिकेटेड GPU लगाओ और पूरा बढ़िया सा सिस्टम बनाओ, फिर APU के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए मैंने यहाँ पे जो इन तीनों में सबसे बढ़िया जो बताया वो है ये वाला 2200G। तो कम पैसों में सिस्टम बन जाएगा, ग्राफिक्स कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ग्राफिक्स कार्ड अगर लगाना ही है तो फिर APU को चूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, CPU के साथ जाना चाहिए। तो आई होप आपको APU में आंसर मिल गया होगा कि कौन सा सबसे बढ़िया है, ठीक है।